भाई साहब आज अब गलौठा विधानसभा में किसको प्रत्याशी घोषित किया गया है? आज गलौठा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। कार्यकर्ता सम्मेलन 2022 विधानसभा जी, जैसे 2022 के चुनाव का आगाज हो गया है, जनता के बीच में किस मुद्दा को लेकर के आप जाएंगे? देखिए, जो 2022 के चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आज तक भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार होने जा रहे हैं, कोई भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा नहीं किया है। चाहे किसानों की आय दुगनी हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम हो, या गुंडागर्दी करने के, जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में होती थी, वही गुंडागर्दी आज पूरे प्रदेश में व्याप्त है। कोई गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे, बहन बेटा इज्जत को लूटा जा रहा है। इसलिए इन तमाम मुद्दों को बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री वीर सिंह गुर्जर जी, इन मुद्दों को लेकर पूरी विधानसभा के गांव-गांव में जाकर इन मुद्दों के बारे में बताएंगे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो सरकारें रही 4 बार, उन सरकार में जो विकास कार्य हुए, किसानों को लाभ हुआ है, बेरोजगारों को नौकरियाँ मिली हैं, ऐसे तमाम जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में काम हुए हैं, उन कामों को श्री वीर सिंह गुर्जर जी इस विधानसभा की गांव-गांव में कोने कोने पर बताने का काम करेंगे, ताकि आने वाले 2022 में जिस तरह से हमारे साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, इसी तरह 2022 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही। इस विधानसभा से भी हमारा बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी श्री वीर सिंह गुर्जर जी भारी मतों से जीत कर वो विधानसभा में जाने का।